अच्छा YouTube से आपने ये जो है ना देखा तरीका, ये पाकिस्तान में तो मैंने पहले कभी देखा नहीं इस तरह की चीज। अगर आप देख सके तो ये देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम आ गए एक आपके लिए बहुत ही मुनफरी चीज लेकर। ये इस टाइम जो है ना हम गुलशन अवी का इलाका है वहां पर मौजूद है। तो यहाँ पे जो है ना एक बड़ी मजेदार चीज जो हमने देखी और वो हम वहाँ उसका जो है ना आज रिव्यू करने के लिए, उसकी वीडियो बनाने के लिए आज हम यहाँ पे आ गए हैं। मेरे साथ आपको जैसा कि पता है, मेरे साथ इस टाइम मेरे साथ लोहरी भाई हैं हमारे, अली भाई। ये मेरा जो है ना खाला का बेटा है, खाला का पुत्र है मेरा अरहम। और ये मेरा जो है ना ये भी मेरा भाई है, छोटा हमसा ही है, इसको भी भाई हमारा भाई कहेंगे। तो मजे की बात ये है कि यार आप तो सबसे पहले तो इसको करें ना चैनल को सब्सक्राइब। बातें आप मेरी सुन रहे हैं, चैनल को सबसे पहले करें सब्सक्राइब, वीडियो को आप पूरा देखें उसके बाद लाइक करना, और आपने दोस्तों का शेयर जरूर करना है इसको वीडियो को आपने, क्योंकि ये बड़ी मजेदार वीडियो होने वाली है। तो चलते हैं फिर हम जो है ना आपको दिखाते हैं, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा बैक व्यू अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो। ये देखें आपको अगर मैं दिखा सकूँ, वो बिल्कुल आप सामने मेरे देख सकते हैं, वो आप देखें। तो इसमें ये है कि आपको मैं दिखाता हूँ, उधर चलते हैं तो जाके उधर फिर हम रिव्यू करते हैं। आ जाए मेरे साथ। साथ जो है ना इस टाइम जो भाई है यानी ओनर है वो मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, तो इसे चल के कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। इकबाल। क्या नाम है आपका? शाहिद इकबाल। की शाहिद इकबाल। शाहिद इकबाल साहब, तो शाहिद इकबाल साहब ये आपने माशाल्लाह से ये जो सेटअप लगाया हुआ है यार, ये एक बड़ी नई चीज है, तो ये कैसे ख्याल आया आपको इस चीज का? ये यूट्यूबर से काफी थी। अच्छा YouTube से आपने ये जो है ना देखा तरीका? ये पाकिस्तान में तो मैंने पहले कभी देखा नहीं इस तरह की चीज। ये फर्स्ट टाइम आया है। बाहर के मुल्क में आपने चीज ऐसी देखी है तो आपने, अच्छा ये इन्होंने बाहर के मुल्क में ये चीज देखी थी तो वहां से इन्होंने ये चीज कैरी की है, और यहाँ पाकिस्तान में जो है ना ये रोलर कोस्टर आइसक्रीम के नाम से इसको जो है ना ये इन्होंने कहा जाता है, तो ये इन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा ये मुझे बताया कि इसके अंदर ये जो रोलर कोस्टर आपने लगाया हुआ है, इसके अंदर है क्या चीज असल में? कोई गैसेज है या कोई क्या चीज है? इसमें बर्फ डालते हैं। बर्फ डलती है? अच्छा तो ये खुल जाता है इसका, ये जो है खुल जाता है। अच्छा इसकी जो है वो गेज खुल जाती है, इसके अंदर बर्फ डलती है, और फिर ये रोलिंग जो होता है ये आप देख सके तो ये तो चेन लगा हुआ है यहाँ पे, ये इसको घुमाता है तो उस तरह फिर बर्फ के ऊपर जो है ना बनती है, और ये फिर ऊपर आप ये फ्लेवर वगैरह डाले हुए आपने, आइसक्रीम फ्लेवर इन्होंने ऊपर डाले हुए हैं। तो ये कौन कौन से फ्लेवर है इसमें लगे हुए हैं? इसमें ब्लू बेरी है, ठीक है, ठीक है, पिस्ता लगा हुआ है, बनाना लगा हुआ है, मैंगो लगा हुआ है। माशाल्लाह यार बड़ी वैरायटी है फ्लेवर्स की यहाँ पे इनके पास में, तो लगे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ इस चीज से, बड़ी मजेदार चीज है। तो इकबाल साहब मुझे ये बताएं, शाहिद इकबाल साहब, ये बड़ा तरीका है इसका उतारने का भी इसको जी, तो ये यार बड़ी शुरू शुरू में तो आपको बड़ा तंगी हुई होगी काम करने से? ऐसे ही ऐसे बिल्कुल समझ आती है बंदे को, तो बंदे को फिर जो है ना आगे ट्रेन होता है, बंदा भी पता लगता सारा। तो आप कितने बजे ये लगा लेते हैं? तकरीबन 7 बजे ओपन करते हैं। 7 बजे? सुबह 4 बजे। अच्छा सुबह 7 बजे मगरिब के टाइम जो है ना ये ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और सुबह 4 बजे तक ये आइसक्रीम जो है ना ये सेल करते हैं यार। मतलब कि जो मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छी टाइमिंग है, बेहतरीन है कि आप आए अपनी फैमिली के साथ भी, आप अगर आप माहौल देख सके गुलशन अवी का, मेन मून मार्केट भी इसको कहा जाता है, फूड स्ट्रीट भी इसको कहा जाता है। और दूसरी बात ये कि इसमें यहाँ पे इजी माहौल है, कोई मसला नहीं है इस कदम का कि रश है, आप अपनी फैमिली के साथ आगे यहाँ पे जो है आइसक्रीम वगैरह खा सकते हैं। ये तो पीछे बहुत बड़ी सिटिंग है इसलिए, और बाकी यहाँ पे मैंने सिटिंग भी देखी है, सिटिंग माशाल्लाह से बड़ी प्यारी इन्होंने बनाई हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी इन्होंने खूबसूरत एम्बियंस इसकी बहुत प्यारा इन्होंने बनाया हुआ है, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी की हुई है, ठीक है, अगर आप देख सके तो कैमरा मैन दिखा सके। अच्छा आपके पास इसके अलावा, आइसक्रीम के अलावा और क्या क्या चीज आपने रखी है? हमारे पास ये साथ है हमारा पॉइंट पिज्जा भी है, ये बर्गर शॉर्मा है, शामी बर्गर है, सिंगर बर्गर है, ग्रिल बर्गर है जी जी। अच्छा तो इनके पास इसके अलावा फास्ट फ्राइज भी है, पैरल भी है, फास्ट फूड का सारी आइटम है, फास्ट फूड की सारी इन्होंने आइटम भी रखी हुई है, पिज्जा है उसमें, इसमें सिंगर बर्गर है, उसमें फ्राइज है, उसमें एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इसमें जो है ना आ जाता है, वो सब कुछ है इसके अंदर इनके पास। तो सबसे ज्यादा आपकी जो इसमें आइसक्रीम में जो फ्लेवर बिक रहा है वो कौन सा है? मैंगो है, बनाना है और ब्लू बेरी, ये सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं यहाँ पे। तो आप ऐसा करें ना हमें भी फिर आप लगा के तो दिखाएं, ताकि हम भी अपने व्यूअर्स को जो है ना फिर रिव्यू करके बताएं कि आपका किस तरह का टेस्ट है, तो वो भी फिर आएंगे इंशाल्लाह आपके पास फिर खाने के लिए। जी जी जरूर, ठीक है ना, तो जनाब फिर रिव्यू करके आपको बताते हैं। अच्छा जी तो आप यहाँ पे जो है ना भाई कुछ लोग बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं आइसक्रीम, तो चलते हैं फिर चल के उनसे पूछते हैं कि इनको आइसक्रीम कैसी लग रही है। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका?
तहा भाई आप आइसक्रीम आपने खाई है इनकी, तो आपको कैसी लगी है आइसक्रीम इनकी? अच्छी है। अच्छा जी, मैं दूसरी दफा खा रहा हूँ। दूसरी दफा खा रहे हैं, तो ये आपको मुनफरिद इनकी थोड़ा लगी है, तो आप इसलिए यहाँ पे आए हैं? टेस्ट की वजह से आए हैं। तो सर ये कोई नई चीज है। जी जी, सही हो गया। तो आप आगे लोगों को कहेंगे कि यार आए हैं आप यहाँ पे, क्योंकि नई चीज आई है, नई चीज है, रोलर आइसक्रीम है, एक नया अंदाज तरीके से। बिल्कुल सही हो गया। चले उस्ताद भाई बैठे, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? ठीक है आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तंजील है। तंजील? तंजील, तंजील भाई आप आइसक्रीम खा रहे हैं, आपको कैसी लगी है? यार मैं तो फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, इसने मुझे यहाँ का बताया कि यहाँ की आइसक्रीम खा रहा। अच्छा, मतलब वो भाई अपने दोस्त को लेके आए हैं साथ, तो आपको कैसी लगी है? अच्छी है, टूटी फूटी फ्लेवर नहीं होते। अच्छा अच्छा, सही हो गया। चले तो भाई ने बताया कि वो पहले खाते हैं यहाँ पे, हमसे दो बार, दूसरी बार उन्होंने खाने आए हैं यहाँ पे, तो अपने दोस्त को भी साथ लेके आए हैं। तो यार कोई इसमें कोई इस तरह की चीज है, कोई इसमें कोई डिफरेंट चीज है, तो वो फिर जो है ना अपने दोस्त को यहाँ पे लेके आए हैं ना खिलाने के लिए, तो इसलिए मैं भी अपने लिए लगवा रहा हूँ, तो मैं भी आपको अपना भी रिव्यू करके बताता हूँ, तो फिर देखते हैं। एक कप सिर्फ मैंगो, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, इसके ऊपर अभी आपने ये इसमें कैरमेल डाली है, कैरमेल डाली है, और इसके बाद ये बंटीज हैं, और इसमें जो है ना ये आप देख सकते हैं कि उसमें टॉपिंग की है। अच्छा, आपके पास चॉकलेट भी पड़ी हुई है यहाँ पे? चॉकलेट खत्म हो गया है, तो कोई मसला नहीं, चॉकलेट भी इनके पास पड़ी हुई है, आप चाहें तो इसमें चॉकलेट भी ऐड करवा सकते हैं। बाकी टॉपिंग जो है ना आपने देखी है यहाँ पे हो गई है, तो ये भी आइसक्रीम जो है ना इसकी मेरे पास आ गई है, अगर आप देख सके तो ये देखें, बहुत ही यूनिक और एक डिफरेंट सी चीज है आपके यहाँ पे इलाके में गुजरा भी में जो मिल रही है। अच्छा जी नाजरीन, आइसक्रीम मेरे पास आ गई है, ठीक है, तो मैं अब इसको खा के रिव्यू करता हूँ, क्योंकि इन्होंने ऊपर यार टॉपिंग बड़ी मजेदार की है, स्प्रिंगल्स डाले हैं उनके ऊपर, बंटी डाली है, और कैरमेल सिरप जो होता है ना उनके ऊपर, सिरप जिसको कहते हैं, वो इन्होंने ऊपर डाला है, तो बाकी इसको हम कर बताते हैं आपको। अच्छा, मजे की बात ये कि ये जो एक कप है इसकी कीमत 100 रुपया है। यार एक मुनफरिद चीज है जो आपको यहाँ पे आपके इलाके में गुजरावी में मिल रही है, और ये आइसक्रीम है, आइसक्रीम 100 रुपये का कप जो है ना आपको मिल रहा है वो यहाँ पे, तो एक मतलब के मुनासिब रेट है, ज्यादा नहीं है, नहीं तो आगे पीछे आप देखें तो कई अगर 150, 200, 300 रुपया भी रेट होता है आइसक्रीम का। तो ये बाकी चलते हैं, आप रिव्यू करते हैं, आपको बताते हैं फिर। चलिए, इसमें फ्लेवर्स जो है वो सारी मिक्स आ गए हैं ऑलरोड। बड़े नेचुरल से टेस्ट आ रहे हैं यार, जिसका कोई आर्टिफिशियल नहीं होता, ऑर्गेनिक जो होता है ना उसका ही टेस्ट आ रहा है, तो मुझे तो बड़े टेस्टी लग रही है। बाकी यार जो मैंगो है उसका सबसे ज्यादा टेस्ट है, वो बहुत मजेदार लग रही है, ठीक है। तो मशवरा ये है कि आप आए अपनी फैमिली के साथ, आकर जरूर इसको एक बार ट्राई जरूर करें, क्योंकि ये जो एक चीज है ना ये आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, यहाँ पे गुलशन के इलाके में आपको मिलेगी, और आपको ये जरूर एक चीज अवेल करनी चाहिए, ठीक है। उसी के साथ जो है ना आप दे मुझे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।